नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड लीडरशिप स्टाइल या फिर लीडरशिप टाइप। तो पहले हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप हैं ट्रैट थ्योरी, सेकंड है ग्रेट मैन थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी दी थी अरिस्टोटल ने, थर्ड है बिहेवियरल थ्योरी, फोर्थ वन है सिचुएशनल थ्योरी, फिफ्थ वन है ट्रांसैक्शनल थ्योरी, सिक्स जो थ्योरी है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। और ये ट्रांसैक्शनल थ्योरी और ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी दोनों दी थी बर्न्स ने। नेक्स्ट आती है स्टाइल थ्योरी, एट्थ पे है कंटिंजेंसी थ्योरी, ये दी थी फील्डर ने। नाइन्थ पे है पार्टिसिपेटिव थ्योरी, टेंथ है मैनेजमेंट थ्योरी, इलेवेंथ है सर्वेंट थ्योरी, ट्वेल्थ है द इंटेग्रेटेड लीडर मैनेजर, ये दी थी गार्डनर ने। थर्टीन पे है एक्स एंड वाई थ्योरी, ये दी थी डगलस मैक ग्रेगर ने 1960 में। इसके अलावा है पाथ गोल थ्योरी एंड 15 पे है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ये एक लिस्ट है जो लीडरशिप की थ्योरीज हैं। अब आगे हम इसमें जो मेन मेन थ्योरीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ट्रैट थ्योरी। ट्रैट थ्योरी क्या कहती है? सजेस्ट लीडर्स हैव सम इनबॉर्न ट्रैट्स। इनबॉर्न मीन्स जन्म से ही उनमें कुछ लक्षण होते हैं लीडर्स में। क्या क्या इनबॉर्न ट्रैट्स हैं? तो ये हैं गुड पर्सनैलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है उनकी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, बुद्धिमान होते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, जल्दी से उनके इमोशनल में चेंज नहीं आता, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीज़न, वो क्विक डिसीज़न लेते हैं, करेज होता है उनमें, साहस, रिलायबिलिटी होती है, वो हर चीज़ के प्रति रिलायबल होते हैं, और इमेजिनेशन होती है उनमें। इट वॉज़ प्रिज्यूम्ड दैट पीपल हैव दीज पर्सनैलिटी ट्रैट कुड बिकम सक्सेसफुल लीडर। जिनमें ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या होते हैं? सक्सेसफुल लीडर होते हैं, और ये उनमें जन्म से ही होते हैं। गुड पर्सनैलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीज़न, करेज, रिलायबिलिटी एंड इमेजिनेशन। सेकेंड है स्टाइल थ्योरी। स्टाइल थ्योरी दी थी लेविन एंड वॉइट ने। ये स्टाइल से रिलेटेड है। दिस फोकसेस ऑन व्हाट लीडर्स डू इन रिलेशनल एंड कॉन्टेक्चुअल टर्म। कैसी परिस्थिति में, जो डिफरेंट टाइप की परिस्थिति है उसमें किस स्टाइल से लीडर काम कर रहा है उसके बारे में बोलती है। थर्ड है सिचुएशनल थ्योरी, ये दी थी हर्से एंड ब्लैंचर्ड ने। तो सिचुएशनल थ्योरी में क्या है? द सिचुएशन, द ग्रुप, द प्रॉब्लम एंड इट्स एनवायरनमेंट। ग्रुप क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, विल अफेक्ट द टाइप ऑफ लीडरशिप। ये सब प्रभावित करता है लीडरशिप को। जो सिचुएशन है वो लीडरशिप को प्रभावित करती है, ये थ्योरी है ये। फोर्थ पे है द ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी दी थी अरिस्टोटल ने, और ये असर्ट दैट सम पीपल आर बॉर्न टू लीड वेयर एज अदर्स आर बॉर्न टू बी लेड। इसका अर्थ होता है कि कुछ लोग तो लीड करने के लिए पैदा होते हैं, जो नेतृत्व करते हैं, और कुछ लोग किसी के नेतृत्व के अंदर काम करने के लिए होते हैं बॉर्न। तो ये हो गई ग्रेट मैन थ्योरी। नेक्स्ट है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी क्या कहती है? बेस्ड अपॉन द बिलीफ दैट द ग्रेट लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न। ये इसका मतलब होता है बिहेवियरल थ्योरी का कि जो ग्रेट लीडर्स होते हैं उनको बनाया जाता है, वो बॉर्न नहीं होते, जन्मजात नहीं होते वो। सिक्स्थ है ट्रांसैक्शनल थ्योरी। ट्रांसैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या है? लीडर्स फोकस ऑन ए मैनेजमेंट टास्क। किस पे फोकस करता है लीडर? जो मैनेजमेंट का काम होता है, जो टास्क होते हैं उन पे। कॉम्पिटिटिव टास्क फोकस्ड, ये पूरी तरह से किस पे फोकस होता है? टास्क पे। ट्रांसैक्शनल थ्योरी।
नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशन करना मीन्स आइडेंटिफाई कॉमन वैल्यूज आर कमिटेड, इंस्पायर अदर्स विद ए लॉन्ग टर्म विजन, लुक एट एफर्ट्स एंड एम्पावर अदर्स, प्रमोट एम्प्लॉय डेवलपमेंट। मीन्स हर तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करना है, चाहे वो वैल्यू के आधार पर हो, विजन के आधार पर हो, एम्पावर करना हो या फिर एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करता करना हो, तो ये सब आता है किस थ्योरी में, लीडरशिप की में, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। एट है कंटिंजेंसी थ्योरी। कंटिंजेंसी थ्योरी है लीडर्स रोल से रिलेटेड, जिसमें लीडर मेंबर रिलेशनशिप होते हैं, उसके टास्क स्ट्रक्चर होती है, पोजीशन और पावर होते हैं, तो ये सारे लीडर के रोल से रिलेटेड होती है कंटिंजेंसी थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी एक्स एंड वाई। थ्योरी एक्स एंड वाई पे जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर्स में, केवल वो इसी तरह भी आ सकता है कि थ्योरी एक्स एंड वाई को एक्सप्लेन कीजिए, तो ये इसके ऊपर एक पर्टिकुलर एक पॉइंट क्वेश्चन बनता है। तो ये दी थी डगलस मैक ग्रेगर ने। ये क्या कहती है, थ्योरी एक्स मैनेजर्स बिलीव्स दैट देयर एम्प्लॉयज़ आर बेसिकली लेज़ी। जो मैनेजर होता है वो ये विश्वास करता है कि जो उसके एम्प्लॉय हैं, जो उसके कर्मचारी हैं, वो क्या हैं, आलसी हैं, नीड कॉन्स्टेंट सुपरविज़न, और उनको लगातार सुपरविज़न की ज़रूरत है एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन की ज़रूरत है, एंड आर इनडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उसके प्रति वो उदासीन है। तो इसका मतलब हुआ कि थ्योरी एक्स ये कहती है कि मैनेजर अपने एम्प्लॉय को लेजी समझते हैं और उनको ये चाहते हैं कि उनको कॉन्स्टेंट सुपरविज़न और डायरेक्शन दी जाए, जबकि थ्योरी वाई क्या कहती है, थ्योरी वाई मैनेजर्स बिलीव्स दैट देयर वर्क एन्जॉय देयर वर्क, जो वर्कर हैं वो अपना वर्क एन्जॉय करते हैं, आर सेल्फ मोटिवेटेड, और खुद ही मोटिवेटेड होते हैं वो, एंड आर विलिंग टू वर्क हार्ड, और वो उनका क्या इच्छा होती है कि वो कठिन से कठिन मेहनत करें टू मीट पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिससे वो पर्सनल भी प्रोग्रेस करें, पर्सनल गोल भी अचीव करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव करें। तो इसको थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। थ्योरी एक्स में क्या है, मैनेजमेंट सबसे टॉप पे है, ऑथोरिटेरियन टाइट कंट्रोल होता है यहाँ पे, किस पे, स्टाफ पे, तो ये डायरेक्शन जो है कंट्रोल की स्टाफ की तरफ है, जबकि थ्योरी बाय में क्या है, मैनेजमेंट जो होता है उसका लेवल कम होता है, स्टाफ का लेवल ज़्यादा होता है, वर्कर एन्जॉय देयर वर्क एंड सेल्फ मोटिवेटेड, और इसमें स्टाफ जो होता है उस पर फोकस किया जाता है, उस पर विश्वास किया जाता है कि वो अपना काम एन्जॉय से कर रहा है और अच्छी तरह से कर रहा है, सेल्फ मोटिवेटेड होकर कर रहा है। तो थ्योरी वाई में स्टाफ इम्पॉर्टेंट है, जबकि थ्योरी एक्स में मैनेजमेंट। नेक्स्ट आती हैं लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप स्टाइल्स जो होती हैं उनको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। पहला है बेस्ड ऑन ऑथॉरिटी रिटेन। ऑथॉरिटी किसके पास है उसके हिसाब से। बेस्ड ऑन टास्क वर्सेस पीपल एम्फेसिस। टास्क और पीपल का आपस में अपोजिट एम्फेसिस। इस पे लाइकर्ट्स फोर्थ स्टाइल, ये थर्ड टाइप हो गया। एंड बेस्ड ऑन अजम्पशन अबाउट पीपल, पीपल्स के प्रति क्या धारणा है लोगों के प्रति। और फिफ्थ है एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप स्टाइल। तो ये पांच तरह से इसको लीडरशिप स्टाइल को डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन ऑथॉरिटी रिटेन, बेस्ड ऑन टास्क वर्सेस पीपल एम्फेसिस, लाइकर्ट्स फोर स्टाइल, बेस्ड ऑन अजम्पशन अबाउट पीपल एंड एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप स्टाइल। तो पहला है बेस्ड ऑन ऑथॉरिटी रिटेन। इसमें क्या होता है, ऑथॉरिटेरियन, जिसमें जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनमें ऑथॉरिटी होती है, वो अपने एम्प्लॉय को गवर्न करते हैं, एक तरह से उनको डायरेक्शन देते हैं। डेमोक्रेटिक में क्या है, कंसल्टेटिव और परसुएसिव, ये दो तरह के होते हैं। और डेमोक्रेटिक मेनली होता है पार्टिसिपेटिव टाइप, मींस उसमें जो एम्प्लॉय हैं कुछ सलाह वो देते हैं और जो मैनेजर हैं वो उनकी सलाह मानते हैं और कुछ सलाह अपनी देते हैं, तो डेमोक्रेटिक
लोकतंत्र के हिसाब से ये होता है, एक तरह से दोनों का ही रोल होता है इसमें। जबकि फ्री रेन या लेजर्स फेयर में जो एम्प्लॉय हैं उनको फ्री छोड़ दिया जाता है कुछ भी डिसीजन लेने के लिए और कुछ भी टास्क करने के लिए। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन टास्क वर्सेस पीपल एम्फेसिस। टास्क पे एम्फेसिस है या पीपल पे एम्फेसिस है? तो इसके लिए हम एक चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल एम्फेसिस लो टू हाई। यहाँ पर लिखा हुआ है टास्क एम्फेसिस लो टू हाई। अब ये लो है यहाँ पे और लो है, तो ये वाला जो कॉलम होगा वो लो का बनेगा। लो ही तो टास्क है इसमें और लो ही क्या है, रिलेशनशिप, पीपल से रिलेशनशिप बनता है। तो जिसमें कम टास्क होता है और कम रिलेशनशिप होता है वो तो होता है फ्री रेन स्टाइल। अब यहाँ पर हाई है और हाई और यहाँ पर लो है, तो यहाँ पर बनेगा हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क। तो हाई रिलेशनशिप लो टास्क कैसा हुआ? जहाँ पर रिलेशनशिप तो अच्छे होते हैं लेकिन काम कम होता है, वो है सपोर्टिव स्टाइल। अब ये हाई के सामने हाई और यहाँ पर भी हाई टास्क, तो ये हो गया हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप। टास्क भी ज़्यादा है, काम भी ज़्यादा हो रहा है और रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हैं। ये होता है पार्टिसिपेटिव स्टाइल, या इसको बोल सकते हैं डेमोक्रेटिव स्टाइल। यहाँ पर हाई है और इधर लो है, तो ये हो गया हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप। तो ये हो गया ऑटोक्रेटिक स्टाइल। इसमें टास्क के ज़्यादा पे काम किया जाता है कि काम ज़्यादा होना चाहिए चाहे रिलेशनशिप न के बराबर हो, तो ये होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन अजम्पशन अबाउट पीपल। लोगों के बारे में क्या अजम्पशन है, क्या धारणा है? तो ये दी थी मैक ग्रेगर ने। ये सेम है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो थ्योरी एक्स में क्या होता है, दे डिस्ट्रस्ट पीपल एंड बिलीव इन क्लोज सुपरविजन एंड टाइट कंट्रोल ओवर द सबॉर्डिनेट। जबकि थ्योरी बाई में क्या होता है, दे आर पार्टिसिपेटिव, ट्रस्ट सबॉर्डिनेट एंड अलाउ देम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर ट्रस्ट किया जा रहा है सबॉर्डिनेट पर और उनको डिसीजन मेकिंग के लिए अलाउ किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर जो मैनेजर हैं, ये टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो डायरेक्शन दे रहे हैं और सुपरविजन कर रहे हैं और टाइट कंट्रोल रख रहे हैं अपने सबॉर्डिनेट पे। सेल लाइकर्स फोर स्टाइल। इसमें क्या है, बेनेवोलेंट, ऑथोरिटेरियन, कंसल्टेटिव, पार्टिसिपेटिव एंड एक्सप्लोइटेटिव ऑथोरिटेटिव। तो ये चार तरह की इसमें लेकर फोर स्टाइल में है, बेनेवोलेंट, ऑथोरिटेरियन, कंसल्टेटिव, पार्टिसिपेटिव और एक्सप्लोइटेटिव ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव है इसमें, लेकिन इसमें तो वो ज़्यादा टाइट कंट्रोल रख रहे हैं। बेनेवोलेंट में कुछ कुछ रियायतें दी जाती हैं, कंसल्टेटिव में आपस में कंसल्ट किया जाता है और पार्टिसिपेटिव में पार्टिसिपेशन किया जाता है। अब टाइप ऑफ लीडरशिप जो मेनली होती हैं वो होती हैं ऑटोक्रेटिक, जिसको कि हम लीडर सेंटर्ड मेथड भी कहते हैं, इसमें लीडर ही सर्वेसर्वा होता है। डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव, इसमें पर्सन ओरिएंटेड मेथड, मतलब कि जो एम्प्लॉय हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है और मैनेजर का रोल भी होता है। जबकि लेजिस फेयर को फ्री रेन और एम्प्लॉय सेंटर्ड मेथड किया जाता है, जिसमें कि एम्प्लॉय ही सर्वेसर्वा होता है, वो ही डिसीजन लेता है, वो ही सारे काम करता है। तो इसको हम इस चार्ट से भी समझ सकते हैं, यूज़ ऑफ अथॉरिटी, एरिया ऑफ फ्रीडम परमिटेड टू सबॉर्डिनेट। तो यूज़ ऑफ अथॉरिटी ज़्यादा कहाँ पर है, ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक या फिर लीडर सेंटर्ड में यूज़ ऑफ ये वाला एरिया इसमें ज़्यादा है। जबकि डेमोक्रेटिक में दोनों का एरिया है और लेजिस फेयर में केवल एरिया ऑफ फ्रीडम परमिटेड टू सबॉर्डिनेट है। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरीज एंड लीडरशिप एंड लीडरशिप स्टाइल या टाइप ऑफ लीडरशिप। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।